हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम अपने घर में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और रात को सोकर बहुत बढ़िया लगा। बट पता है इस घर में मच्छर बहुत हैं। और ये रही मम्मी, जो भी अभी फ्रेश होकर आई है, ब्रश वगैरह करके। मम्मी अभी चाय के तलब में है कि चाय बन जाए तो चाय पी लें। और जो आप बोल रहे होंगे ना कि मैंने कल मीठा नहीं बनाया, कल हमने बाहर से खाना मंगा लिया, फिर उसके बाद मैं सो गई और सुबह तो अभी तो मैं दूध उबाल रही हूँ और उस तरफ पीटर के लिए अंडा उबाल रही हूँ। तो मीठा तो बनाना ही, तो कोई बात नहीं, जब हम पूजा कराएंगे ना तो फिर सब कुछ अपनी दिल की मनोकामना पूरी कर लेंगे। और ये मैंने कल का वॉशर में सिर्फ इतना ही साफ हो सका, भैया भैया जो भी अभी रह रहा है वो एसिड के साथ साफ होगा, क्योंकि ये थिनर विनर से नहीं उतरने वाला, भी एसिड चाहिए। और ये बच्चा बहुत खुश है, लेकिन ये बच्चा रात को सोया नहीं, जो कि पहले एसी में सोता था, अभी फिर बिल्कुल फैन में आ गया तो सोया ही रात पर, बट फिर भी खुश है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते। और ये लड़की बना रही है मॉर्निंग में चिमनी लगा के परांठे, और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बन रहा है। चिमनी चलती जा रही है और ये अपना काम करती जा रही है। अभी इसने तेल भी गर्म किया, जो कि हम गर्म करके खाते हैं, सरसों का तेल। तो 1% उस रूम में पता नहीं चला कि क्या है। बाकी इस घर में एक दिक्कत और है कि मच्छर बहुत है। अभी फटाफट ब्रश करके हम ले आते हैं उस घर का सामान भी, फिर हमारा वो घर खाली, मतलब जिनका है वो उनका हो गया। और यहाँ पे हमारे घर पे आ गया था सारा सामान, तो भी ब्रश करके फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता पे। अभी जस्ट हम लोग बैठे हैं, नाश्ता हमने कर लिया है आज, इसके बनाए थे परांठे। और एक चीज का मुझे इस घर में एक ही अफसोस है कि यहाँ पे अभी तक नेट नहीं आया है। वो बोले आएगा, पर अभी 2-3 दिन और लगेंगे, इसलिए हमारे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। पर जब ब्लॉग्स आ जाएंगे तो रेगुलर ही आएंगे। उनको कब से बोला, महीने से बोल के रखा भैया ने, पर फिर भी लेट हो गया, क्योंकि न्यू बिल्डिंग है ना, तो इतनी जल्दी कोई कनेक्शन देगा नहीं। भैया ने जुगाड़ वाले भैया को फ़ोन किया है, वो बोले मैं कर दूँगा जल्दी से जल्दी, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, देखो कब तक आता है, महीना ना हो बस। तो मम्मी ने बोला बहुत आराम फरमा लिया, खाली करो, देखो अब हमारे भाग में कितना कचरा है, ये और वो सारा हमारा ही कचरा है। तो इसलिए पहले इसको साफ कर रहे, क्योंकि अगर बाई चांस कोई यहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो बोलेगा हमारे घर के बाद में आपका कचरा क्या कर रहा है, इसलिए अभी मैं वो कर रही हूँ। मेरी मम्मी देख रही है पीटर को, क्योंकि ये फिर भाग के आता है, इसमें ऐसा ही गेट लगा नहीं रहता है, खुल जाता है। तो मैंने गेट खोल दिया, मैंने कहा मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, देखो कितना। और ये ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, डिजाई कर रहे हैं ना, तो सारा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है बाहर, तो छाट के लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये चाटेगा फिर। जो सही वाला सामान है वो हमने अंदर रख दिया, और ये सारा वेस्टेज है। इसमें से सिर्फ ये येलो वाला थैला है ना, उसमें हमारी चप्पल वगैरह, महंगे शूज, सैंडल, वो सब है, उसको मैं अभी सेट कर देती हूँ, शू रख कर लेके आई है ना चाबी, ये ऊपर लेके जा रहे हो, ये 7th फ्लोर पे रखाएंगे, क्योंकि जो हमारे लैमिनेट बच गए ना वो इन फ्यूचर काम आएगा। और ये बच्चे को देखो, गेट लगते ही जाने का होता है। तो बस घर की साफ सफाई चलती जा रही, मैं कितना सारा सामान रख के है, बाहर से पूरा क्लीन कर दिया गया, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और इस लड़की ने पूरी चप्पल सेट कर दिया, बट ये वो चप्पल है जो हम किसी फंक्शन वगैरह पे डालते हैं, हैवी चप्पल है, मतलब नॉर्मल चप्पल नहीं है जो हम नॉर्मली डालते हैं, रियर है। ये बंद कर रही है अभी, हाँ लॉक लगा दे, हमने बाहर लॉक रखे हैं। और ये कोना जो आपको कल भरा भरा लग रहा था ना, पूरा खाली हो गया, ये मैं धीरे धीरे करके और कचरा फेंकाऊंगी। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं अपने घर पे, मतलब अभी जा रहे हैं हम रेंट वाला घर खाली करने, अपना ही निकलता है क्योंकि इतने दिन से वहीं रुके थे ना। तो अभी यहाँ पे किसी, मतलब कोई गणेश जी को विसर्जन करने जा रहा है, तो मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगी। इस साल तो हमसे भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए, कुछ भी हमारा टाइम टेबल से हुआ ही नहीं, बट नेक्स्ट टाइम हम होप करते हैं कि हम बहुत अच्छे से गणेश जी को रखें, उनकी स्थापना करें, वो हमारे घर में आए, हमें सेवा करने का मौका दें। तो देखते हैं, अभी ये कचरा बोला है कि सोसाइटी वाला ने, पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है ना, कोई रहने नहीं आया, जब पूरा हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, फिर हम साफ सफाई वाले को बिठाएंगे, अभी तो हमें फेंकने जाना पड़ेगा। ये देखो कैसे कचरा लेके चल रही है। अरे मेरे पास ये भैया बहुत हेल्प करवाते हैं हमारी। तो अभी तो थोड़ा मोड़ा ही सामान रह गया है, ये रूम तो हमने खाली कर दिया, ये रहा, मतलब इसमें ये जो चीजें हैं, इसमें ये जो चीज है ना, बॉक्स वगैरह, ये सब हम अभी ले जाएंगे, क्योंकि साफ करके वो जो ओनर है ना इस घर का, उन्होंने बोला आज चाहिए, उन्होंने भी कोई मुहूर्त वगैरह निकाला है, तो उनको भी वापस यहाँ पे आना है, उन्हें भी कोई पूजा वूजा करवानी थी, इसलिए हम लोग को समझना चाहिए, तो आज से कर देंगे और उनको ये चाबी दे देंगे।
हमने जैसे अपनी ले ली और ये रही काम करती जा रही है बाई। तो दीदी रिक्शा पे आएगी और मैं चल के जा रही हूँ क्योंकि सामान बहुत ज्यादा भर गया, पूरी रिक्शा भर चुकी है, तो इसलिए हम मैं चल के जाती हूँ और ये आती रहेगी। अभी भैया के साथ आएंगे तो फाइनल पूरा रूम क्लीन करके धो के शाम को फिर अपना घर सेटल करें। और थोड़े दिन बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तो इसलिए चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो सामान ले आए अभी ये लोग, ये सेट कर रही है जो वहाँ की चप्पल थी जो हम डेली यूज में पहनते हैं वो मैं अलग में रखूंगी तो उसको सेट कर देती हूँ। बाकी ये मिक्सचर वगैरह सब ले आई है, ये हमारे कंबल, रात को भैया को बहुत ठंडी लगी कूलर के आगे भी इसलिए, तो अभी भैया आराम कर रहे हैं। दीदी मम्मी जा चुके हैं सामान लेने क्योंकि कल हमें करनी है मंदिर की स्थापना। वैसे हम मंदिर ले आए बट हमने प्रॉपर वो दीयावती होती है वो नहीं किया क्योंकि कल दिन अच्छा नहीं था, तो कल है जो कल का दिन बहुत अच्छा है तो कल करेंगे हम लोग। तो आज दीदी बोली मेरे को मेरी पसंद की चीज़ लेके आनी है, धूप फूल वगैरह जो सजावट के लिए हो सकता है। मैंने बोला था व्लॉग बनाने, बोले नहीं मुझे ऐसा होता है ऐसा होता है, मैंने कहा ठीक है मत बनाना मैं बनाऊंगी। कि गणेश जी इसलिए नहीं दर्शन करा पाई क्योंकि किसी के घर में थे, घर में मैं गई नहीं क्योंकि मुझे अपना ही मतलब लेट हो रहा था। सोसाइटी में मैंने उस दिन दिखाया ना, बस वही हमारी सोसाइटी। नेक्स्ट ईयर इधर भी बहुत अच्छे से रखेंगे तो हम वहाँ पर आपको ज़रूर शामिल करेंगे। तो अभी मेरा ये सोच रही हूँ कि मैं ना कल की जो चतर वगैरह है ना वो धो लेती हूँ और दो तीन कपड़े और हैं वो धो लेती हूँ क्योंकि फिर रात को ना चतर बिछाने को नहीं है उस रूम में, फिर ऐसा अच्छे से नींद भी नहीं आती है, तो सोफे तक पे तो सो नहीं सकते तो अच्छा लगना चाहिए ना। वैसे न्यू चतर वगैरह आने वाली है वो परसों, दीदी और मम्मी मैं भी जाऊँगी शॉपिंग करने जाने का, मैं कर्टन्स भी अभी तो आने बाकी हैं तो फिलहाल के लिए जो है वो नीचे बिछाने के लिए मैं धो लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ दिखाती हूँ। तो भी घर शिफ्टिंग तो भी चालू ही, तो मैं मम्मी और भैया थोड़ा जा रहे हैं बाहर क्योंकि कल हमने छोटी सी पूजा करवानी है, उसके लिए दिया बत्ती का सामान लेने जा रहे हैं और साथ साथ में हमें दो पौधे भी लगवाने जा रहे हैं, एक लक्ष्मी राय तुलसी माता और एक मनी प्लांट क्योंकि ये दोनों पौधे उन्हें घर में जरूरी है। तो मेरे पास वो क्या बोल पॉट्स तो पड़े हैं, सिर्फ बीच में प्लांट्स लगवाने हैं, पॉट्स ये रहे अभी मैं उठा कर लेकर जाऊंगी लिफ्ट में, लिफ्ट देख ऊपर चलेगी लगवाया मेरे साथ, नीचे भैया नीचे गाड़ी में खड़े हैं और जितना ब्लॉग हो सका मैं आपको दिखाऊंगी जितना उसे बन सका। तो अभी ना मैं मम्मी और भैया निकल ही रहे थे तो एसी वाले भैया आ गए, एसी वाले भैया बोलते मैं आज ही फिटिंग करूंगा तो शायद तक मम्मी आ जाए साथ में, फिर मैं और भैया ही जाते हैं क्योंकि मम्मी को आधे से ज्यादा दियाबत्ती का सामान याद नहीं रहेगा, मुझे याद भी रह जाएगा और मैं लै भी ले भी आऊंगी। मम्मी चलती तो अच्छा रहता है, सलाह हो जाती है दो तीन जानों की, बाकी मम्मी पर मना बोल रही तो फिर क्या कर सकते हैं, और वो वाला सामान लाना भी तो जरूरी है, सुबह वो आ जाएंगे तो उनके आते हुए तो मैं लेने नहीं जाऊंगी सामान। तो अभी मेरा जाना कैंसिल हो गया है, सिर्फ भैया और मम्मी गए हैं क्योंकि भैया बोल रहे घर पे भी दो जाने होने जरूरी हैं इसके लिए। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे फोन मत लगाना आप अपनी मर्जी से सामान लेकर आना, फिर मम्मी बार बार फोन लगा कि फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो भूल ही आएगी। तो मैं आपको बाहर का तो नहीं दिखा पाएगी क्या दिया बत्ती का सामान लेकर जाना, तो जो फिलहाल अभी घर में काम चल रहा है कि जैसे एसी सर्विस वाले भैया आए हैं मैं वो दिखाती थी कि वो काम कब तक कहाँ तक पहुँचा है और कैसा चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। ये जो मैं एक्स्ट्रा जगह मिली है सच में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, नहीं तो उस घर में तो एकदम छोटी सी पीछे पहुँच ही गया था, पता ही नहीं लगता था जब कोई आ जाता था एसी सर्विस के लिए कहाँ धोए कहाँ रखे, बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कपड़े वगैरह भी धो रही है, मैंने एक जब से यहाँ पे कपड़े डाले फिर इसने एक्सचेंज कर दिया, इसकी गलती नहीं है, इसको काम बढ़ाने का बड़ा ही शौक है करने को। तो अभी ये कपड़े सुखा दिए, अभी मम्मी और भैया भी आते हैं उनके सामान लेके देखते हैं क्या चीज़ लेके हैं क्या भूल गए हैं, मैं उनको फ़ोन करके एक बार पूछ लूँगी है ना। ये चाय पीनी है यार, मम्मी घर में नहीं है, भैया को फ़ोन करके बोलते लेके आए चाय पीते हैं फर्स्ट कर रहे हैं। मैं नहा धो चुकी हूँ और आज जो मैंने कुर्ता डाला है ना ये मेरा नहीं है मम्मी का है, क्योंकि हमने जब घर शिफ्ट किया ना तो मेरी सब जोड़ी खराब हो रखी थी बहुत मिट्टी वाली थी, तो मैंने हाथ से धोकर डाल दिए, मैं सुबह तक सूख जाऊंगी क्योंकि मैं सुबह आती में भी सूचे कपड़े डालूंगी ना। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर रखने, मतलब मंदिर से शेल्फ पे कपड़ा बिछाने के बाद अच्छी तरह से कोट में साफ वगैरह करके रख दूंगी। हाँ पूजा तो सुबह होगी बट से अभी सिर्फ रख दूंगी, साफ सफाई तो करूँ, और ये ढीला बहुत है सच में, बट रिलैक्स भी बहुत क्योंकि ढीला कितना है।
तो मम्मी और भैया आ चुके हैं सब सामान लेके। अभी सामान तो मैंने देखा नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो नहीं लेकर आए होंगे ये। बट ये समोसे लेके हम लोग समोसे पर टूट पड़े। ये रही मम्मी, ये रहे भैया, दो मिठाई। भैया हम हनुमान जी के मंदिर गए थे और पीटर बेचारा बहुत उदास है। मम्मी शिफ्ट हुआ ना, तो खाने के बाद अब फुर्सत मिली सामान देखने की, तो मम्मी ये फूल लेके आई है, हार लेके आई है, मुझे फ्रिज में रखने क्योंकि ये सुबह तक ऐसे फ्रेश दिखने चाहिए। इनमें से हार कौन सा है? और ये दिया बत्ती का सामान, और ये एक मिठाई नहीं, एक नहीं मम्मी दो ले आई। मम्मी बोली कि एक क्यों, नवा घर है तो दो दो मिठाई देंगे। जब घर इतना अच्छा है तो मिठाई दो बढ़ती है ना मम्मी। और ये बाकी स्टैंड वगैरह जो ब्रश रखने के लिए वो लेके आए भैया थोड़ा सामान। तो कितना अच्छा लगता है जब बाहर जाओ तो आपकी चप्पल सेपरेट पड़ी हो, तो इसलिए मैंने इसका लॉक खोल दिया है, क्योंकि इसमें डेली यूज की चप्पल रखी है, मतलब मेरी मूजड़ी वगैरह रहती है, तो बार बार लॉक खोलेंगे ना तो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर चाबी अंदर रखते कुछ छापा ले लेगा तो लेके जा सकते हैं। हैवी वहाँ रखी है, भैया के थोड़े और सामान उधर है तो मैं रेडी हो गई, वहाँ पे सामान ले जाते हैं। दीदी चाय बना के रखी थी क्योंकि फर्नीचर वाले भी आए हैं थोड़ा सा उनका काम बाकी, और एसी वाले भी यहीं पे हैं, तो दो जनों को तो घर पे रहना पड़े ना देखभाल करने के लिए। अभी तो घर पूरा प्रॉपर बन चुका है, हम रहने भी आ चुके हैं, तो ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। ना ना कहते भी पता नहीं कितना लेट हो रहा है अभी हमसे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सामान मैं सोच रही हूँ जितने से ज्यादा हो सके ना उतना सामान अभी ले जाऊं, क्योंकि फिर तो तीन जनों का काम है, तो दीदी आगे फटाफट से खाली हो जाएगा। धोना भी है अभी, देखो कितना गंदा है जिसका घर, उसको तो साफ चाहिए ना। तो मैं शायद ब्लॉग ना बना पाऊँ, पर बीच बीच में हो सके तो मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो अब फिर हम कुछ ज्यादा सामान नहीं लेके, अभी मैं लेने जा रही हूँ थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह, क्योंकि 8:30 हो गए, थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आएंगे, फिर तीनों जाएंगे तो होगा। आप बोल गए इतनी देर से हो रहे तीनों, अब तो मैं आपको शिफ्ट करके फिर ही दिखाऊंगी घर पूरा। उस घर में भी लास्ट ब्लॉग है, काफ़ी यादें हैं, क्लब की भी काफ़ी यादें हैं, तो थोड़ा इमोशनल टाइप भी होगा, तो मैं आपको लास्ट टाइम ब्लॉग तो पूरा बना के दिखाऊंगी कैसा है। तो भैया को एक घंटे से बोल रहे थे कि भैया चलो चलो चलो, लेट हो रहे हैं। तो अब भैया निकले हैं 11:30, और इस लड़की को अपनी पड़ी है कि मुझे एक्टिवा चलानी है एक बार। ये रही खुद चलाती फिर रही है, चला इधर। और मम्मी ने भी गेट पे लॉक भी नहीं किया है, मम्मी बोली मुझे डर लगता है। मैंने कहा भैया आ जाएंगे 10 मिनट में, नहीं बोले नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज मतलब ये पूरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको पूरी शिफ्टिंग दिखाने लग गई, पूरी सांसें दिखाने लग गई, तो इसलिए इससे अच्छा मैं आपको बाकी कल दिखाऊंगी कि आगे क्या होता है, इसके दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये इतना बड़ा व्लॉग बना देंगे तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपको मजा भी नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम इसके दो पार्ट्स कर देंगे। अभी इसके आगे क्या होगा वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो इसलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो डू लाइक शेयर कमेंट, सबसे पहले सामान जाएगा भैया के वर्कआउट वाला, ये डंबल्स वगैरह सब लेके जा रहे हैं नीचे।